हेलो माइनक्राफ्ट लवर्स, एंड स्वागत है आप लोगों का अनदर वीडियो ऑफ पिक्सेल मॉन हार्डकोर। एंड ये पॉकेट एडिशन है, सो जावा की जैसे मत सोचो। एंड सेकंड चीज़, फर्स्ट डे पे मैंने कोई भी पोकेमॉन कैच नहीं किया है, एंड उसका भी दिक्कत है रिसोर्सेज की। और थैंक्स फॉर जिन लोगों ने गेस किया था पिक्सेल मॉन, सो उन सबको एक बड़ा सा शाउट आउट। और इस क्रीपर को भी इसके लिए मेरे पास एक बढ़िया सा स्वॉर्ड है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपने लिए ये आ गया एक हैंडल, और ये आ गया रैपियर, ये सबसे बेस्ट है रैपियर। एंड फूटना मत, प्लीज़ फूटना मत। ओके, फूट गया। एंड ये तो अपना फर्स्ट फार्म था, इसको भी थोड़ा बहुत अपग्रेड करना पड़ेगा। विलेज मैंने अभी तक ठीक से लूटा नहीं है, सो अभी भी मैं हंगर से परेशान हूँ। सो अब यहाँ पे मुझे एक स्पेशल चीज़ उगाना है जो पोकेमॉन टेम करने में हमारी मदद करने वाला है। एंड टूर्नामेंट क्या करना है ये सब आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में समझा देना। और ये आ गया कैरेट जो मुझे जॉम्बी मारने से मिला था, और इन्हें बोन मिल करके मैं उगा रहा हूँ। और मैं आया था अपने पुराने वाले केप को ढूंढने, और रास्ते में मुझे वही वाला विलेज मिल गया। एंड सामने मुझे कुछ जॉम्बीज दिख रहा है, चलो विलेजर की थोड़ी मदद कर देते। एंड जॉम्बीज मेरे पीछे लूट हो जाओ, कम ऑन। अरे मर जा, ओके मर गया। एंड सोने चलते, गरीबों का घर, एक बेड भी नहीं है, और वो भी सोने गया। चलो अब ढूंढते हैं अपने केप को, आसपास ही होना चाहिए। और यहाँ पर एक और पोकेमॉन है, इसको तो अभी टेम नहीं करने वाला। और ये देखो भाई साहब, ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा। हाँ, मेरे पीछे भाग के आ रहा है, तो ये मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। कम ऑन, ऊपर आ जा। होस्टाइल है, ये होस्टाइल है। हाँ, मुझे याद आया, मैं पहले भी तो थोड़ा बहुत खेल चुका हूँ, सो मुझे याद है। तो किसी ने कुछ नोटिस किया है तो कमेंट सेक्शन में बताना वीडियो पर क्या एक चीज़ अनकॉमन है, उसे छोड़ो कमेंट में बता देना। और मुझे एक और दिखा था यहाँ पर, हाँ इसको मैं मारने वाला हूँ, कॉज इससे मुझे ओपी वाले लूट मिल सकता है, जो मुझे पोकेमॉन टेम करने में हेल्प करेगा। मैं टिपिकल माइनक्राफ्ट प्लेयर की जैसे टेम ही बोलने वाला हूँ, बाकी पोकेमॉन की तरह नहीं, कैच पोकेट्यूबर। तो इसीलिए तो मैं आप लोगों की मदद ले रहा हूँ, सो आप लोग मुझे थोड़े गाइड वाइड दीजिए कैसे क्या करना है पिक्सेल मॉन में, पोकेमॉन में। ओके, सो अब इसे अपना 69 IQ दिखाना पड़ेगा वही चीज़ जो हम लोग हमेशा गोलम के साथ करते रहते थे, अब इसके साथ भी होगा। ठीक है, इसकी हेल्थ बहुत ज़्यादा है गोलम से भी लग तो वही रहा है। साइड पे मुझे एक प्यारा सा पोकेमॉन भी दिख रहा है, मैं इसको फर्स्ट टेम करना चाहता हूँ, अपना फर्स्ट पोकेमॉन इसी को बनाऊँगा। और प्लीज़ फैंसी बैरिज दे देना मुझे, मुझे फैंसी बैरिज की बहुत ज़रूरत है, जिसकी रिसोर्सेज अभी मेरे पास नहीं है क्राफ्टिंग करने के लिए। प्लीज़ थोड़ा सा बाकी है, बस थोड़ा सा। ओके, तो फिनिश हो चुका है। एंड मुझे क्या मिला है, पोकेबॉल। ठीक है, पोकेबॉल से टेम, मुझे जहाँ तक पता है फैंसी बैरिज से टेम करना पड़ता है फिर पोकेबॉल। ठीक है, कुछ चेंजेस आ चुका है, मैं पुराना वाला खेल रहा हूँ या नया वाला, चलो इसे टेम करके देखते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद देखा जाएगा क्या है। प्लेस टेम हो जा, ये बहुत ज़्यादा भाग रहा है भाई, थोड़ा सा रुक जा, बस थोड़ा सा मुझे। ओके, टेम हो चुका है, पार्टिकल्स चेंज हो चुका है, जस्ट लुक एट दैट कवाई। ओके वाह, ये सीट हो, जब सीट होता है काफ़ी क्यूट लगता है।
एंड इसके डाउनलोड लिंक के बारे में मुझे अभी पूछना मत, कॉज ओरिजिनल लिंक अभी काम नहीं कर रहा है। मैं देखूंगा बाद में, वरना मुझे मेरे उसूलों के ख़िलाफ़ जाना पड़ेगा। और अभी मुझे एक और पोकेमॉन दिख रहा है, इसको टेम करने का कोई मन नहीं है बट कलेक्शन के लिए, और इसको हम लोग पोकेबॉल पे रख सकते हैं। बस पोकेबॉल को हाथ में लो और इन पे होल्ड करो तो ये अपने आप पोकेबॉल में चले जाएंगे। और यहाँ पर मुझे वही काव दिख रहा है, सो देखते हैं कितने में टेम होगा। और दो तो खा चुका है, एक और है, आई मीन एक ही खाया है। ओके, टेम हो चुका है दो में, नाइस। अब इसको भी ले जाते हैं अपने साथ, ऐसे होल्ड करना है पोकेबॉल को हाथ में लेके, थोड़ा सा टाइम लेगा। और ये हो गया कैच, एंड ले लो अपने पास, ठीक है। और ये आ चुका हूँ एक और नए बायोम में, न्यू बायोम मतलब नए चीज़ है। और ये पम्पकिन नहीं है, ये मेरे पास ले रहा हूँ डेकोरेशन के लिए, बाकी किसी काम का नहीं है पम्पकिन। आसपास देखना पड़ेगा कुछ और है क्या, ऐसे ट्रीज एंड थोड़े बहुत फॉक्स। भाई ऐसे बायोम बनानी चाहिए, और मैं क्या उल्टा सीधा बायोम बनाता हूँ। ओके, तो यहाँ पर एक और पोकेमॉन दिख रहा है, ये जब इवॉल्व होगा ये काफ़ी ओपी दिखेगा, हाफ ह्यूमन जैसा। मैंने इसे पहले भी टेम किया है, मैं बस कोशिश कर रहा हूँ कि कैट की तरह होगा कि नहीं, मतलब मैं हिलूँगा नहीं, बस थोड़ा क्राउच करके। नहीं ये नहीं आएगा, मतलब ये भगाने वाले में से ही है, पास नहीं आने वाला। आई थिंक मुझे इसके पास जाना पड़ेगा, एंड ये उड़ता भी है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होने वाला है। हो जा, आई स्वर इसने दो बार खाया है, और हर पोकेमॉन दो बार में टेम हो रहा था, पर ये नहीं हुआ, आई मीन हर नहीं लास्ट के दो पोकेमॉन। एंड आई थिंक मुझे नीचे जाना पड़ेगा, हाँ जंप। नहीं अभी एमएलजी फेमएलजी वो सब चीज़ें देखने के दिखाने की कोई टाइम नहीं है, अपन अपना आईक्यू यूज़ करेंगे, माइंड। सो ऐसे ये से यहाँ पे लगा देते हैं, नाइस। और ये मैं आ गया नीचे, कुछ ज़्यादा ही नीचे आ गया, इसके ऊपर चलते हैं, कोशिश करता हूँ पानी मिल जाए। ओके, पानी नहीं मिला। और ये पोकेमॉन तो ऊपर के ऊपर ही जाया जा रहा है, अरे भाई रुक जा एक ही जगह पे। ओके, सो ऊपर चला गया है, और यहाँ पे पानी से मैं भी ऊपर जा सकता हूँ, पार्टिकल्स का भी बढ़िया लग रहा है देखने में। हाँ प्लीज थोड़ा सा रुक जा, एंड ये हो गया। ओके, और मुझे विच की हंसने की भी आवाज़ भी आ रहा है, आई थिंक आसपास विच भी है, पंगा नहीं लेना। चलो यहाँ से निकलते हैं, एंड सबसे बढ़िया होगा इसको पोकेबॉल के अंदर ही रखना, ये बेकार में नहीं मरना चाहिए। ओके, आ गया अपने पास, और कोई पोकेमॉन है क्या, टेस्ट किया जाए। ठीक है, मैं वहाँ से निकल आया हूँ, अभी और पोकेमॉन टेम नहीं करने वाला, मैंने जो दोनों को कैच किया है, आई मीन तीनों को, एक्चुअली दो ही क्या हूँ, एक काव वाला मुझे कोई खास नहीं लगता, बस ऐसे ही शोकेस। बाकी दोनों के लिए आप लोग थोड़ी कमेंट सकते हैं, उन्हें बता देना कैसा क्या इन लोगों की पावर है। और ये वाले चीज़ें भी मुझे दिख रहा है, आप लोगों से मैं पूछने वाला हूँ, बिकॉज मैं खुद भी थोड़ा बहुत जानकारी ले सकता हूँ, बट नहीं आप लोगों से पूछने वाला हूँ मैं, तो ये भी मुझे बता देना। अभी खाने की कमी होने वाला है, यहाँ पे डॉगू है, डॉग्स है, इसको भी मैं टेम कर सकता था, बट सारे बोन्स तो मैंने यूज़ कर लिया है, अब कैसे टेम कर पाऊँगा, रात होने की इंतज़ार करना पड़ेगा, जो कि मैं करना नहीं चाहता, कॉज अपने पास खाना भी नहीं है। तो देखते हैं आसपास कोई स्ट्रक्चर, मेरे मतलब कुछ और चीज़ें प्लेस प्लेस मिल जाए, या फिर कोई बढ़िया सा पोकेमॉन। अभी फिशिंग टाइम, कॉज अभी अपने को खाने की बहुत कमी हो रहा है, अब कच्चा मछली खाना पड़ेगा अपने को। कमोन मर जा, ओके मर गया, और फ्री के बोन्स भी मिल गया। और ये कौन सा पोकेमॉन है, कोकोडाइल जैसा दिख रहा है, तो इसे टेम करने की कोशिश करके देखता हूँ, टेम तो हो ही जाएगा, 13 बॉल्स है अपने पास। व्हाट द हैक, ये
अरे यार टेम हो जा मेरे भाई, टेम हो जा। नहीं हुआ, बहुत बढ़िया। ओह भाई साहब ये क्यों टेम नहीं हुआ, टेम तो हो जाना चाहिए था इसको। आई थिंक पानी में है शायद, होता नहीं बट कोई बात नहीं, फिर से टेम करने की कोशिश करूँगा। और घूमते घूमते मैं अपनी कैब के पास आ चुका हूँ, सो अब जाने का टाइम आ चुका है कैब में, बिकॉज अपनी कैब में कुछ इम्पोर्टेंट सामान है, सो वो सारी चीज़ें मैं लाने जा रहा हूँ। एंड माइनिंग के काम भी थोड़ा बहुत है। और यह आ गया अपने पास भाई पुराना कैप्टन टेबल, और इसको यहाँ पे प्लेस कर देते हैं। नाइस। और मुझे थोड़े बहुत वुड्स की ज़रूरत है, सो एक पिकैक्स और एक्स भी बना लेते हैं, वुड वुड कलेक्ट करने के काम पे आ जाएगा। ओके तो यहाँ पर अपने आयरन वायरन स्मेल्टिंग के लिए देता हूँ, और थोड़े बहुत सामान यहाँ पर है शायद, गोल्डन एप्पल ही था और कुछ खास नहीं, बट कोई बात नहीं, अपने पास जो एक्स्ट्रा सामान है वो इसके अंदर रख देते हैं। अब अपने को चाहिए एक बढ़िया सा सामान, उसके लिए अपने को दो हैंडल चाहिए और तीन डायमंड है ऑलरेडी अपने पास, और ये है माइनर हेलमेट, आई मीन हैमर, मैं हेलमेट क्यों बोल रहा हूँ। ये है माइनर हैमर, ये काफ़ी काम की चीज़ है, जब भी हम लोग इसे होल्ड करेंगे हमें इफेक्ट मिलेगा, और उसी के साथ साथ ये माइनिंग पे भी हेल्प करने वाला है अपना। दिखाता हूँ कैसे हेल्प करेगा अगर मैं ऐसे होल्ड करूँगा, जस्ट लुक एट दैट। तो जैसे ही मैं इसे होल्ड करूँगा तो ये यहाँ पर सारे जंक वंक क्लिक क्लियर कर देगा, जितने भी स्टोन एंड जंक वाले ब्लॉक है उन सबको क्लियर कर देगा, और अपने को मिल जाएगा डायमंड, रेस्टोन, आयरन सारी चीज़ें। और ये टफ ये जो ब्लॉक है इसको मैंने अभी तक इंक्लूड नहीं किया है, तो इसको भी मैं फिल्टर कर दूंगा। और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मॉब स्पॉन हो रहा है, आई थिंक मुझे इस पर टॉर्च भी ऐड करना पड़ेगा। चेक्स मोड पे काफ़ी ओपी होने वाला है इस बार, सच में बता रहा हूँ। और यहाँ पे टॉर्चेस लगा देते हैं ताकि अपने को मॉब्स की कोई इशू ना हो, एंड ये भी आ जाए। और यहाँ पे थोड़ा बहुत क्लियर कर लेते हैं, अपने को गोल्ड भी दिख गया है, और एक एमेथिस्ट का केप भी मिल चुका है जो कि सबसे ज़्यादा रेयर होते हैं केप में ढूंढना, बिकॉज सी ओशन में तो आपको मिल जाएगा आराम से बट केप पे नहीं। और आई थिंक अपने एपिसोड यहीं पे ख़त्म होने वाला है, कुछ खास तो दिखाने के लिए है नहीं, बस हम लोग ऐसे माइनिंग कर सकते हैं। इसकी रेंज को भी मैं थोड़ा बहुत इंक्रीज कर दूंगा ताकि ये माइनिंग और भी अच्छी तरह से कर पाए, और नेदर के लिए भी मैं बना लूँगा। और अपने पास देखते हैं कितने डायमंड आते हैं, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता देना वीडियो पॉज करके, पॉज ओके 5 ही आया है ठीक है। एंड एमेथिस्ट के केप के अंदर तो कुछ नहीं मिलेगा, बस थोड़ा बहुत साउंड सुनने को मिलेगा जो कि काफ़ी बढ़िया बजता है, ढिचक ढिचक। एंड आई थिंक इस साइड से मुझे निकलना है, चलो। और यहाँ पे तो स्लाइम भी स्पॉन हो रहा है, आई थिंक यहाँ अपना स्लाइम चंक के अंदर आ चुका है। इतने नीचे अगर मैं डिग करूँगा तो स्लाइम ही आएगा, यह भी कोई चौंकने की बात नहीं है। यहाँ पर मुझे स्केलेटन बहुत ज़्यादा मार रहा है, ये वाले पोकेमोन को स्पॉन कर दिया हूँ, अब देखता हूँ क्या करता है ये लोग, कुछ तो कर। अरे यार इसने कुछ नहीं किया है, इसने बस स्केलेटन को धक्का दिया है और वो जाके इसको लगाए आई मीन एरो, और ये लोग लड़ रहे हैं, मतलब इसने कुछ ही नहीं किया है। आई थिंक इसको फैंसी बैरिस देना पड़ेगा तभी ये हमारी मदद करेगा। अब बैरिस तो मेरे पास है नहीं, फैंसी बैरिस उसी के दिक्कत हो रहा है, सो मैं उसे बाद में देखूँगा। चलो इसका खेल ख़त्म, एंड इस वाले स्केलेटन की खेल ख़त्म कर देते हैं। आई थिंक ये अभी यूजलेस है हमारे लिए जब तक हम लोग इसे फ्रेंडशिप बैरिस नहीं देते, फ्रेंडशिप बैरिस। सो गाइस आई थिंक अपनी सीरीज यहीं पे, आई मीन सीरीज नहीं अभी एपिसोड यहीं पे ख़त्म करते हैं, एपिसोड 2। आई ने कुछ खास किया नहीं है, बस थोड़े बहुत इधर उधर घूमा है और 3 पोकेमोन टेम किया है, बाद में इसकी सीरीज आई मीन एपिसोड और भी बड़े बड़े आएंगे और इंटरेस्टिंग। एंड वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ऐसी ओपी एंड अमेजिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखना,
और कमेंट ज़रूर करना जेड आर्मी ओपी इन चैट, तो पता चलेगा कौन कौन आखिरी तक देखे, तो जेड आर्मी ओपी कर देना। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।